Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, to all my graceful audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm your host, Rehmat Empowerment Wala, striving to achieve self-sustainability for me and for the people alike. I'm your host of this interview series named Empowering Mind. इस इंटरव्यू सीरीज में हमारी कोशिश होती है कि ऐसी मौजूद शख्सियात को मधु किया जाए जो ना सिर्फ अपनी माइंड पावर एक्सप्लोर कर चुके हों बल्कि दूसरों के माइंड को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हों या ऐसा जज्बा रखते हैं. सो वी गेट टू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस एंड गेट मोटिवेटेड बाय देयर पैशन टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. इसी सिलसिले में आज की हमारी मेहमान हैं परवीन अफशा राव साहिबा. ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक कमाल का प्रोजेक्ट चला रही हैं, कमाल की शख्सियत हैं. इनके बारे में बहुत सारा बहुत कुछ है बात करने के लिए, मज़ीद इनसे जानेंगे इनके बारे में. अस्सलाम वालेकुम परवीन राव साहब. जी वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. मैंने आपका इंट्रोडक्शन जो थोड़ा बहुत मुझे पता था मैंने दिया. आई एम श्योर देयर लॉट मोर टू नो अबाउट यू, तो अपना एक कंसाइज इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस. मैंने पाकिस्तान के लिए एक स्कूल मॉडल बनाया है जिसकी अब नए ज़माने में ज़रूरत है और वो है 4-डिमेंशनल स्कूल सिस्टम. उसकी डायमेंशन क्यों बनानी पड़ी, इसलिए कि पुराना जो एक रट्टा सिस्टम है और वो अब बरसों से आते आते वो एकदम बिल्कुल अंधा सिस्टम भी हो गया है. तो उसको ज़िंदा करने के लिए, उस मुर्दा सिस्टम को ज़िंदा करने के लिए और नया बनाने के लिए कुछ उसमें डायमेंशंस भी डाली हैं. और जो आज का ज़माना जो इतना मुख्तलिफ हो चुका है, आपकी इतनी मुख्तलिफ इजादें हो चुकी हैं, जो स्कूल सिस्टम है वो बहुत उस ज़माने का है जब ये वाली इजादें मौजूद नहीं थी, आपका ये नेट इंटरनेट नहीं था, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मेरा ख़्याल है कि इस वक्त नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते ही हैं. तो इन सबको, हमारे बच्चों को इन सारी चीज़ों के साथ कॉप करने के लिए या एजुकेशन का मेयार भी बढ़ाने के लिए तो एक ज़रूरत थी, और अपनी शख्सियत को एक्सप्लोर करने के लिए भी तो 10, 12, 15, 16 साल तक स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लगा दिए जाते हैं मगर ना शख्सियत एक्सप्लोर होती है और ना ही आपका कोई अपना एप्टीट्यूड एक्सप्लोर होता है कि हमने बनना क्या है. कभी कभी तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हाँ बीए में कर लें फिर देखेंगे करना क्या है, तो ये बहुत ख़तरनाक है. मैंने कहा कि स्कूल सिस्टम में ही बच्चे को इतना तैयार कर दिया जाए कि वो अपने मकसद को भी समझता हो, अपने काम को भी समझता हो कि मुझे क्या करना है, अपनी शख्सियत को भी समझता हो कि मेरे अंदर सलाहियतें कौन कौन सी हैं. तो फिर वो जब कॉलेज में जाएगा तो वो किसी डिटर्मिनेशन के साथ जाएगा, ना कि बस बीए कर लो फिर एमए कर लो फिर देखेंगे फिर क्या करना है, नहीं. तो उसमें मैंने स्कूल में 4 डायमेंशंस बनाई हैं. एक डायमेंशन से तो गुजारा नहीं हो सकता था, तो एक डायमेंशन तो ये है कि तालीम और हुनर साथ साथ होगा, और हुनर में हमने प्रोफेशंस का एक सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जो स्कूलों में होता नहीं है. आपकी ट्रेडिशनल आपको पता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामियात, इंग्लिश, उर्दू लैंग्वेजेस और मैथ्स और ये सब. तो हमने प्रोफेशंस का यानी पेशे का रुझान, एप्टीट्यूड ऑफ प्रोफेशंस, ये इंट्रोड्यूस करवाया. इसको बाकायदा मतलब एक किताब भी तैयार की है. वो बचपन से ही क्लास 2 से शुरू हो जाती है, उनको पढ़ाना शुरू कर देते हैं हम उनकी एक्सप्लोरिंग शुरू करवा देते हैं कि आप अपने आप को देखें कि आपको कौन सा प्रोफेशन अच्छा लग रहा है, और 2-4 साल में वो 5 साल में उनको अपना एप्टीट्यूड पता चल जाता है. और साथ ही हमने प्रैक्टिकल कुछ स्किल्स भी स्कूल में इंट्रोड्यूस करवा दी हैं ताकि बच्चे अपनी प्रैक्टिकल काम करते रहें तो उनको पता चल जाता है कि हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है, कौन सा काम करना पसंद है, लिखना पढ़ना ज़्यादा पसंद है
या कि कोई काम करना ज्यादा पसंद है, और काम में भी कौन सा काम करना पसंद है, ये सब खुलने लगता है। और क्रिएटिविटी के लिए हमने नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक फाइन आर्ट्स पूरे स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाया है। फिर नर्सरी से लेके मैट्रिक तक बज़्म अदब, कि उनका माइंड जो है वो तो पहले खुले, और किरदार बनाने के लिए हमने कुरान को पढ़ना स्कूल में ही सिखाना शुरू कर दिया है तर्जुमे के साथ, कि अरबी ज़बान तो आनी चाहिए स्कूल में, अरबी ज़बान, उर्दू, इंग्लिश और वो बाकी जो कुछ है। ये तो हमारा एक डायमेंशन है जिसमें तालीम और हुनर साथ साथ है, तो उसमें ये सारी 5-7-10 चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद दूसरा डायमेंशन है कि कोई स्कूल बड़ी उम्र के बच्चों को दाखिल नहीं करता, कि हमारे पास छोटी क्लास नहीं है और हम इसे बड़े बच्चे को अपने स्कूल में नहीं रख सकते। तो मैंने स्कूल विद इन द स्कूल, मैंने स्कूल में ही एक तेज़ रफ्त स्कूल के नाम से तेज़ रफ्त स्कूल एक डायमेंशन बना दी, जिसमें के 6 क्लासेस 3 साल में वो पढ़ लेते हैं। बड़ी उम्र के बच्चे बड़ी उम्र के बच्चों के साथ ही पढ़ रहे होते हैं, तो एक एक साल में 2-2 क्लासेस करते हैं, और जूं ही वो 7वीं के काबिल होते हैं तो वो 7वीं के बच्चों में उनका कद बराबर होता है, चाहे उम्र ज़्यादा भी हो, और अव्वल तो उनकी वैसे ही वो कमी पूरी हो जाती है, लेकिन जिसकी नहीं भी हो तो वो कद में बराबर होते हैं एटलीस्ट, और पढ़ाई में भी। तो दूसरी डायमेंशन तो ये है। तीसरी डायमेंशन है वसी ममता, ग्रेटर मदरहुड, यानी आपको नेकी करना चाहिए दूसरों के लिए। ममता आप में भी है, मर्द में भी है, औरत में भी है, लेकिन हम अपने बच्चों पे ममता ख़त्म कर देते हैं, अपने रिश्तेदारों के बच्चों पे, ख़ानदान के बच्चों पे, लेकिन एज मुस्लिम हमें सबका ख्याल करना है, इसको हमने बहुत महदूद कर दिया है। खुदगर्ज़ी की हद तक हम छोटे हो गए हैं। तो मैंने वसी ममता का जो डायमेंशन है स्कूल में ही इंट्रोड्यूस करवाया, कि जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं उससे आपने नेकी करना सीखना, और नेकी करना जो है वो बचपन से ही सिखानी है, और अगर स्कूल में अवेलेबल हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि स्कूल को सारे लोग, माँ बाप, रिश्तेदार, ख़ानदान वाले, और मतलब सारे लोग बहुत अहमियत देते हैं। तो जब वहाँ अहमियत इतनी है स्कूल की, तो फिर उसमें किरदार भी तो बना देना हम। तो नेकी का काम बचपन से ही सिखाया जाता है, जिसमें छोटे छोटे काम छोटे बच्चों को, और जो बड़े हैं जैसे 6वीं, 7वीं और 8वीं के बच्चे, उन्हें ये कहा जाता है कि आपके पास उनके एक दौलत आ गई है, वक्त की दौलत तो उनके पास होती है, लेकिन तालीम की दौलत आ गई है, तो आप एक अनपढ़ को एक साल में पढ़ाएं, तो वो एक साल में किसी एक को पढ़ाते हैं, और इस तरह 3 बरस में वो 3 लोगों को भी पढ़ा सकते हैं। और अगर हमारे पास 6वीं, 7वीं, 8वीं में ज़्यादा लोग बच्चे हैं, 70-80 बच्चे हैं, तो वो 70-80 बच्चों को ख़वातीन और मर्दों को बस्ती में पढ़ा देते हैं। ये डायमेंशन है। फोर्थ डायमेंशन है टीचर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम। स्कूल में ही टीचर्स को हमने ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, इसलिए कि कोई इदारा करीब करीब है नहीं हमारे यहाँ, बल्कि ज़्यादा इदारे ही नहीं हैं। हॉस्पिटल में तो होता है कि आप वहीं पे सीखते हैं और वहीं पे ही आप प्रैक्टिस भी करते हैं। पार्लर में इजाज़त नहीं है, आपने कितने घंटे के लिए सजाना होता है, 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए शख्सियत को बनाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के लिए, लेकिन पार्लर में इजाज़त नहीं है कि ट्रेन ब्यूटिशियन के अलावा हाथ नहीं लगा सकती वो चेहरे को, पहले उसे ट्रेनिंग लेनी होगी। और बच्चा जो इंसान है जिसकी शख्सियत जिंदगी भर के लिए बनानी है, उसको हम अनट्रेंड के हवाले कर देते हैं। ये इतनी अफसोसनाक बात है मेरे लिए।
तो मैंने कहा कि ट्रेनिंग जो है वो हम तो स्कूल में ही प्रोवाइड करेंगे, तो स्कूल में ही उनकी साल भर ट्रेनिंग होती रहती है, और उनको एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम भी हमने रखा है उनके लिए कि आप तालीम हासिल करना चाहते हैं हम आपको छुट्टियां भी देंगे और लोन भी देंगे, ताकि सैलरी आप घर घर वालों को दे दें और एजुकेशन आप लोन पे हासिल कर लें। जब आप ज़्यादा क्लासेस कर चुके होंगे तो सैलरी तो खुद ब खुद बढ़ेगी, तो 200 रुपये करके वापस कर दें, तो उसमें फिर वो खुद भी बढ़ती रहती हैं, पढ़ती भी रहती हैं और क्वालिटी भी बढ़ती रहती है। दूसरे ये कि वो किसी पे बोझ भी नहीं बनती। इस तरह हमारी ये 4 डायमेंशंस हैं स्कूल की, जो मैं चाहती हूँ कि अब इस नए ज़माने में इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, और इसको 26 साल लगे हैं बनाने में, दिन रात इस हर चीज़ पे हमने एक्सपेरिमेंट किया है। इसको मतलब कोई चीज़ मैं ऐसी नहीं छोड़ी, ऐसी नहीं रहने दी कि हम ये कह सकें कि हाँ ओ इसके बारे में हमें नहीं पता। नहीं, हर चीज़ का अब हमें पता है, इसका क्या रिजल्ट होगा, इसे ऐसे करना होगा, इसे कैसे करना होगा ऐसे। बल्कि अब तो मैंने एक मेथोडोलॉजी जो हमें कोविड के बाद इस्तेमाल करनी पड़ी ना, कि बच्चे ज़्यादा वक्त घर में रह रहे हैं और एक दिन स्कूल आ रहे हैं और एक दिन घर पे रह रहे हैं, उसमें मैंने एक नई मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई। और अब जैसे कि महंगाई हो रही है और लोग कह रहे हैं कि हम तो बच्चों को स्कूल नहीं नहीं भिजवा सकते, घर में तैयारी करवाएंगे, तो वो मेरी मेथोडोलॉजी जो है वो माओं के, नई माओं के बहुत काम आएगी, कि वो उससे घर पे ही बैठ के अब बच्चों को पढ़ा देंगी, और बाकी वो चीज़ें भी बता दूंगी कि कैरेक्टर कैसे बनाना है अपने, और बना के फिर वो किसी भी क्लास से जब उन्हें लगे कि अब हम इस क्लास से अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भेज सकते हैं। तो ये भी मेथोडोलॉजी हमने बस वो डेवलप हो गई, क्योंकि हालात ऐसे थे, हर चीज़ क्योंकि वहाँ पे क्रिएट हो रही है ना उस स्कूल में, तो फिर हर प्रॉब्लम के लिए भी सोल्यूशन आ जाता है। तो ये है, और उसका नाम भी स्कूल का अमले दानिश स्कूल है, दानिशमंदी का अमल। एक्सेलेंट मैम। मैंने इस तरह की 4 डायमेंशनल एजुकेशन सिस्टम पहले तो कभी सुना नहीं था, और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है माशाल्लाह एक्सेलेंट। और इस सारे आइडिया को करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, आई एम श्योर यू हैव द राइट माइंडसेट, और आपकी अपब्रिंगिंग भी बड़ी कमाल की रही होगी। तो अपने बारे में बताएं कि आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल किया, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही, कहाँ आपने परवरिश। मैंने सारी एजुकेशन जो है वो पंजाब में हासिल की है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने प्रीवियस फिलोसफी में किया था, फिर मास्टर्स जो है उर्दू का पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, और बीएड कराची में किया बुढ़ापे में। तो मैम, आप शुरू से ही स्कूल और एजुकेशन में ही अपना खिदमात देना चाहती थी, या आपका कुछ और भी गोल्स थे कि मैं जब मैं ये करूँगी या इस। नहीं, मेरा नहीं, गोल तो मेरा था गोल कि तो था मैं कि मैं वो स्पेस पे जाऊंगा, और मुझे बहुत शौक था स्पेस को एक्सप्लोर करने का, मेरा दिमाग भी वैसे ही था। लेकिन ज़ाहिर है हम लड़कियों को एजुकेशन के सारे जो मसले मसाइल होते हैं, तो उसमें क्योंकि मुझ में एक क्वालिटी लिखने पढ़ने की भी थी कुदरती तौर पे, तो ज़ाहिर है ये एनहेंस कर गई, और सबको पढ़ा वो एज मदर, सबके काम करना, सबको ग्रो करना, सबकी ग्रोथ देखना, ये एक क्वालिटी थी खुद ब खुद, तो ये मुझे एजुकेशन की तरफ ले आई अनकॉन्शियसली, क्योंकि मैं हर एक को ही पढ़ा देती थी। जब मैट्रिक में थी उसके बाद भी मुझे पढ़ा किसी न किसी को पढ़ने में मदद करना या कुछ करना, और बाद में भी जब मैं कॉलेज जाती रही तभी भी मुझे ये काम बस मैं करती रहती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये मैं मुस्तकिल इसको अपनाऊंगी, क्योंकि मैं समझती थी मैं एक राइटर बन सकती हूँ क्योंकि मैं लिखा करती थी और फिलोसोफर थी। मगर जब मैंने बहुत, मेरी किताबें भी आई हैं लेकिन एनालिसिस किया है मैंने ज़्यादातर। अच्छा, मगर जब मैंने, और मेरे सारे दोस्त भी लिटरेचर के हैं,
एक वक्त ऐसा आया, वो काम भी मैं कर रही थी, स्कूल भी खोल लिया था, मगर मुझे ऐसे लगा कि, और बिजनेस भी कर रही थी क्योंकि स्कूल चलाने के लिए मुझे बिजनेस करना था। एक वक्त ऐसा आया कि मुझे इन दोनों में से किसी को चुनना था कि दोनों ही चीजें अपना वक्त मांगती हैं। लिखना तो मेरे लिए तो बहुत आसान काम नहीं है, मैं तो बहुत दफा काट काट के लिखती हूँ, बहुत दफा काट काट के। तो ये था, एक ख्याल भी मुझे आया, मैंने कहा ये मैं किताबें लिख रही हूँ, क्या मैं पढ़े लिखों को पढ़ाऊं? तो मैं उन्हें क्यों नहीं पढ़ाऊं जिनको के जरूरत है? इस सवाल और इसी जवाब से मैं मुतमईन हो गई, और फिर मैंने लिखने का काम कि वो जब मुझे कथार्सिस की जरूरत है लिख लेती हूँ, या कोई चीज बहुत ही ज्यादा फंस जाए तो लिख लेती हूँ, लेकिन बाकायदा पूरी तवज्जो के साथ मैंने स्कूल को चलाया, स्कूल को बनाया, और इसी के लिए जो कुछ जितना कुछ कमा सकती थी वो किया, जितने लोग साथ दे सकते थे वो भी साथ रहे, और ये चल रहा है, ये बन गया है, और अब आप लोगों को इसकी इंट्रोडक्शन हो रही है। एक्सलेंट मैन। और मैंने कुछ क्लिप्स भी देखे हैं आपकी प्रोफाइल पे स्कूल के। अमेजिंग अच्छा अच्छा वर्क यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क एंड आपने कहा कि आप इससे पहले बिजनेस करते थे, तो कौन सी नौीयत का बिजनेस आपने किया है? 8-10 बरस तो मैंने किया इमेज मार्केटिंग, जिसमें कि आप थ्रू प्रिंट मीडिया और बहुत सारा चीज़ें क्रिएट करके सर्विसेज देते हैं। उसके बाद फिर मैंने ऑनिक्स को एक्सपोर्ट वगैरह करना शुरू किया। ऑनिक्स है हमारे यहाँ का एक ग्रीन पत्थर है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता और पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, और उसकी चीज़ें भी बहुत कराची में तो बहुत मिलती हैं, उसकी टाइल्स और दूसरी चीज़ें भी करती थी, और आजकल भी, मतलब अब ये थोड़े पैमाने पे, आपको पता है सारे मुल्क के क्या हालात हैं, सभी कुछ तो रुका हुआ है, तो इस तरह वो परेशानियां हैं, लेकिन वो मेरे अभी तक काम जो है प्रिंटिंग वाला भी यानी इमेज मार्केटिंग का भी, वो भी थोड़ा बहुत झूलते झूलते चलता रहता है, और थोड़ी ये चीज़ें भी होती रहती। और मैम आपने कहा लिटरेचर से भी आपको दिलचस्पी है और आप राइटर भी रही हैं, तो किस तरह का लिटरेचर आप पढ़ना और लिखना पसंद है? कोई लिटरेचर मखसूस नहीं है, मतलब एक तो मैंने इस्लामिक हिस्ट्री बहुत पढ़ी, और उसके बाद अभी पिछले इस 5-10 बरस में तो मैंने सीरतुल नबी हर तरह से, हर तरफ से ला के किताबें वो पढ़ी, और खैर वो तो अलग ही बात है, अलग ही तजुर्बा है। बाकी मुझे रशियन लिटरेचर में जो है ना, बड़े नाम जो सभी के लिए बड़े हैं, अभी तक बड़े हैं, टॉल्स्टॉय हैं, दोस्तोवस्की हैं, इनको पढ़ा और इन्हीं पे लिखा भी, कुछ अपने लोगों पे भी लिखा, और बाकी हर तरह की फिलॉसफी मुझे पसंद है, यहाँ तक कि वो जो स्पेस का है वो तो मैं, अब तो नेटफ्लिक्स आ गया, अब तो यूट्यूब आ गया, अब क्वांटम थ्योरी पे डिटेल से पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, और मतलब ये मेरे पसंदीदा मशागिल हैं आजकल, किताबें नहीं तो यूट्यूब पे ये सारी चीजें देखती पढ़ती हूँ, एक तरह से पढ़ना ही हुआ, क्योंकि देखने में तो बहुत सारी चीजें ज्यादा मिल जाती है ना, ज्यादा डिटेल में मिलती हैं, तो उसका बहुत मजा आ रहा है। मैम बैक टू स्कूल के, आपने जैसे बताया कि 4 डायमेंशनल आपका सिस्टम है, तो क्या आपके स्कूल में डिसेबल पर्सन्स के लिए भी कोई जगह है, या आप स्पेशल पर्सन्स के एजुकेशन के लिए भी कोई काम कर रहे हैं? नहीं बेटा, देखें स्पेशल पर्संस के लिए ना बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारे इदारे भी हैं, और ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ डिसेबल पर्संस जो हैं वो दुनिया के दूसरे इलाकों की तरह नहीं है, और सिर्फ, और दूसरे ये कि सारे माँ बाप जो हैं हमारे यहाँ के माँ बाप वो डिसेबल पर्सन की इतनी खिदमत खातिर करते हैं कि वो उसे वहां भेजना पसंद ही नहीं करते, तो इसलिए मेरे ख्याल में कि इतनी कम तादाद के लिए हर जगह, हर स्कूल में उनके लिए जगह बनाना एक मुश्किल काम है, क्योंकि उसके लिए एक अलग सारा एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता है,
तो इसलिए मैंने उसके लिए नहीं किया, क्योंकि हमारी अब इस वक्त डिसेबिलिटी तो चल रही है, हम खाली डिग्री लेके अनपढ़ ही तो हैं क्या? क्या हम किसी एबल हैं? मुझे बता दें, किसी काम के हैं? तो बस ये चल रहा है। तो मैंने कहा पहले इनको एबल कर दें, फिर डिसेबल स्पेशल पर्सन पे बात करेंगे। स्पेशल पर्सन शुक्र है अल्लाह का हमारे यहाँ बहुत कम है। एक्सलेंट मैम, और सही कहा आपने, ये काफ़ी ऐसे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और कराची में एक नाव PDP का इदारा है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है डिसेबल। मैम, स्कूल को चलाने के लिए आपको रिसोर्सेज ज़ाहिर चाहिए होते हैं, इतना बड़ा स्कूल चला रहे हैं, 4 डायमेंशन स्कूल चला रहे हैं, तो रिसोर्सेज आप कैसे मैनेज करते हो और चैलेंजेस को कैसे आप ओवरकम करते हो इस सिलसिले में? देखें, एक तो फाइनेंशियल चैलेंज की बात आप कर रहे हैं, उससे तो ब्लड प्रेशर हाई करके। अगर ये कि चूंकि कुछ ना कुछ कोई ना कोई साथ आता रहता है, वो आए ना आए, कभी मेरे बच्चे लग जाते हैं, कभी कोई, मतलब फिलहाल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तो मेरे साथ लोग थे, और अब भी कोई ना कोई आ ही जाएगा इंशाल्लाह। तो इसके लिए तो मैंने बता दिया कि बस ऊपर नीचे हालात होते रहते हैं, कोई इतनी ज़्यादा अभी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं ये मैंने बनाया, तो आए कौन? कैंपेन करने का, यूट्यूब पे जाने का ना सोच थी ना डिज़ाइन था, और इतनी मगन थी स्कूल बनाने में, इतनी मगन थी कि इस तरफ तो ख्याल ही नहीं गया कि लोगों को साथ मिलाने के लिए आपको थोड़ा कैंपेन पे भी तो काम करना चाहिए, वक्त ही नहीं मिलता था ना। स्कूल बजाते खुद ये कोई डिज़ाइन बनाना कोई आसान तो नहीं था ना, हर रोज का काम था ये। हाँ, अब हर रोज के चैलेंजेस कैसे थे, वो तो हर रोज मैंने काम किया है, आजकल थोड़े से घंटे कम हो गए, 18-18 घंटे काम करती थी मैं, क्योंकि मेरी घरदारी भी थी, मेरा बिजनेस भी था, बिजनेस स्कूल के लिए था, मुझे जरूरत नहीं, घर अपना था, गाड़ी अपनी थी, और एक बच्चा था, एक बच्चे को पढ़ाना दो पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या मसला है, नो प्रॉब्लम। तो मैंने तो सैकड़ों बच्चे पाल लिए थे ना, तो फिर उनके लिए खुद कमाना था, तो फिर घरदारी को खराब भी नहीं करना था, फिर घर वाले नाराज हो जाएंगे कि दूसरों को करने के लिए आप हमें मुतासिर कर रही हैं, तो वो भी नहीं हो सकता था, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन जब आप कुछ करने लगते हैं ना, तो कैपेसिटी बढ़ने लगती है। मैंने तो ये देखा, जब घरदारी करते थे तो एक सालन बनाते थे, जब मैं ये काम करने लगी तो मैं एक वक्त में 6 सालन 2-3 घंटे में तैयार कर लेती थी, स्पीड बढ़ गई, काम की क्वालिटी बढ़ गई, मैनेजमेंट की क्वालिटी बढ़ गई। ड्राइविंग कितना अरसा खुद की है, और आजकल भी कर रही हूँ, इस उम्र में भी कर रही हूँ, इस कराची में कर रही हूँ, खौफनाक जगह जाती हूँ, जहाँ बस सामने आपके मोटर बाइक्स ही होती हैं, कि भी आपको मारेंगी या आप उनको लग जाएंगे, और उसको बचा के चलना। तो चैलेंजेस तो बहुत, और फिर स्कूल के बहुत बड़े चैलेंजेस होते थे हर तरह के। जाहिर है कि इतने छोटे से इंटरव्यू में तो ये हो नहीं सकते, मगर उसको करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जब आप दिल से कोई काम कर रहे होते हैं, तो उस चैलेंज के लिए जवाब, हिम्मत, हौसला और उस मसले का हल, वो अल्लाह ताला देता है, मैं थोड़ी करती हूँ, वो करवाता है और वो ये सारी चीजें देता भी है। बेशक मैम, सही फरमाया आपने। तो आप अपने इस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट 5 ईयर्स में कहाँ देख रहे हैं, आप कितना प्रॉस्पर होता वो देख रहे हैं? इसका जो है बढ़ना फलना फूलना ये है कि लोगों की समझ में आ जाए, और वो अपने स्कूल्स में, मैं तो चलो पैसा नहीं कमा रही, मतलब वो मेरा तो एक मिशन था कि मैं बेचारे इलाका ही ऐसा था कि मैं उनको 1 रुपया फीस पे पढ़ा रही हूँ, लेकिन चाहती मैं ये हूँ जो जो देखना भी चाहती हूँ और देख भी रही हूँ कि इसके लिए काम करूँगी जितनी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है, कि ये जो जो फीस वाले स्कूल हैं, वो ये चारों डायमेंशन अपने स्कूल में इसको अप्लाई करें और उससे पैसा कमाएं। पैसा कमाना तो खराब बात नहीं, लेकिन अच्छी सर्विसेज, अच्छी चीज़ देना, उसके नतीजे में अच्छी प्रोडक्ट देना, तो वो तो लोगों को भी पसंद आएगा और लोगों को फायदा भी होगा और स्कूलों को भी फायदा होगा, स्कूलों
स्कूल के मालिकान को भी फायदा होगा, तो मैं ये देख रही हूँ कि वो लोग भी ये काम करेंगे। बिल्कुल मैम, आपका ये मॉडल ज़रूर फॉलो होना चाहिए हमारे कराची में, सिंध में, पूरे पाकिस्तान में। और एक ही स्कूल में अगर हमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल, हमारे बच्चे तालीम भी हासिल करें, जी हुनर भी जी हासिल करें, तो ये तो बहुत ही एक्सीलेंट बात हो जाएगी। और जिस तरह आपने कहा कि लोगों के जहनों तक ये बात पहुंचाना कि आप एक प्रोजेक्ट इतना अच्छा चला रही हैं और लोगों को आगे आकर आपका साथ देना चाहिए, तो हमारा प्लेटफॉर्म भी इसी तरह की एक कोशिश है। आपकी आवाज़ हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि जो भी कुछ इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं वो ज़रूर आगे आए और आपके साथ खड़े हों इस सिलसिले में। मैं कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान का और सिंध का एजुकेशन सिस्टम, हम सब वाकिफ़ हैं कि कितना पुराना है, कितना बोसीदा अगर कहें तो गलत नहीं होगा। तो इसमें रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए और किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं अपने इस एजुकेशन सिस्टम को? देखें, मैंने तो एक मॉडल बना के करके दिखाया कि रिफॉर्म्स कैसे हो सकती हैं, तो वो तो आपको आके देखना होगा। आपको खुद, मैं क्यों बताऊं, मैं कैसे बताऊं, इतनी वो डिटेल है कि, और वो है कोई खास चीज नहीं, एक ही चीज ज्यादा जरूरी चाहिए, सिंसियरिटी। पैसा नहीं इतना चाहिए, पैसा तो बहुत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सच्चाई और सिंसियरिटी नहीं है। बस सिस्टम में सिंसियरिटी और उसकी ज़रूरत है, सच्चाई की। दो चीज़ें आ जाएं, पैसा तो इस्तेमाल हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है, लेकिन गलत तरीके से, गलत अंदाज से। और सिस्टम कैसा होना चाहिए, चीज़ें क्या होनी चाहिए, वो तो मैंने आपको मॉडल में दिखा दी, वहां आप आके देख लें और उन्हें गिन लें और लिख लें और बता दें। आपका स्कूल वैसे कहाँ वाकई है? एक ब्रांच जो है ब्रांच जो वो है वो यहाँ कराची में है, एक लाहौर में है और एक कश्मीर में है। कराची में कहाँ है? कराची में खुदा की बस्ती, सुरजानी टाउन। मैम, अगर आपको मिनिस्टर बना दिया जाए फॉर एजुकेशन, तो जी आप क्या वो चंद ज़रूरी इकदाम करेंगी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर हो जाए? मतलब क्या चीज़ होगी मेरे हाथ में, पहले ये बताएं क्या क्या मेरे मैं कर सकती हूँगी, किसकी इजाजत होगी, पहले वो बताएं। आ गया ना, बंद हो गया ना आपका। ये आगे तो आगे। बहुत ही गहरा सवाल पूछ रहे हैं आपने। इतनी गहराई में मैं जा नहीं सकता, मेरा कद इतना है नहीं। तो बात तो तो ये बात तो हुई ये ना। हुई ना, चलें फर्ज कर लेते हैं कि यू आर फर्स्ट द तो मैंने सुप्रीम मॉडल अथॉरिटी। बना दिया, बना फर्ज दिया, कर रहे फर्ज हैं, कर रहे हैं, मैंने मैंने मॉडल बना मॉडल दिया, मैं बना इसको दिया, अप्लाई मैं कर इसको अप्लाई दूंगी कर दूंगी अगर मुझे इसकी अगर मुझे इजाजत इसकी होगी इजाजत होगी। तो। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, जो हर्डल्स आएंगे बीच में उनको आप कैसे दूर करेंगी? जैसे मैंने इस स्कूल को बनाने में हर्डल्स को पार किया है, वो तो एक अलग कहानी, एक कहानी नहीं, हर पल पे कहानी है। तो वो तो फिर आप पहले से तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि जब मिनिस्ट्री में होता आदमी तो किस किस्म की हर्डल्स आती हैं, तो वो तो उस वो तो करके ही बताएंगे। वैसे आप डॉज कर रही हैं सवाल को। आप वैसे आप सोचें वैसे सोचें मैं क्या मैं जवाब दूं क्या इस बात जवाब दूं का, इस बात? क्योंकि सबको नजर आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम इसमें है कि आप टीचर्स को ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और हाँ, पार्लर के लिए जो पार्लर का एक सेलोन है वहाँ पे इंस्टीट्यूशन होता है ट्रेनिंग का, स्कूल के अंदर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है ट्रेनिंग का। तो मैंने तो बना लिया, मैं मिनिस्टर होंगी तो मेरे अगर इजाजत होगी तो मैं ये कह दूंगी कि हर स्कूल अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाए स्कूल में, जैसे कि हर हॉस्पिटल जो है आपका, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल जो है वो सारे डॉक्टर्स वहीं पे ट्रेंड होते हैं, बल्कि वो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो तो जान ले 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 सकते हैं गलत कर दें तो। उनको ट्रेनिंग वहां दी जाती है, तो स्कूल के अंदर स्कूल के टीचर्स को क्यों नहीं ट्रेनिंग दी जाए।
अब मिल गया जवाब, हो गई तसल्ली। चलिए कुछ बेहतर है। मुझे आज का मुझे मसला आज का नहीं है, मसला नहीं है। मसला यह है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि एक सिर्फ अजम्पशन पे क्या आप कर लेंगे। इसी चीज ने तो हमारे बच्चों को खराब कर दिया है ना, सारे अजम्पशंस पे चलते हैं, सारे सिर्फ ख्यालात में रहते हैं। मैं वो मकसद हासिल कर लूंगा, उस मकसद को हासिल करने के लिए सीढ़ियां कितनी हैं, कैसे प्रॉब्लम्स हैं, उसको नहीं देखते। वहां का जवाब वो खुद ही बिला वजह दे देते हैं और गलत देते हैं। आप मुझसे गलत जवाब लेना चाहते हैं, मैं कैसे सही जवाब दे सकती हूँ मुझे बताएं। मुझे उसके प्रोसेस का ही नहीं पता कि मुझे प्रॉब्लम्स क्या आएंगे, मुझे इजाजत कितनी मिलेगी। हाँ, अब नाक अब नाक खुजाए। खुजाए। चले मैम, कोई बात नहीं, हम इस सवाल को हम रहने देते हैं, इसको कट कर देते हैं। ठीक, इतना कुछ इतना तो हो कुछ गया, तो हो अब गया, क्या अब क्या चाहिए। चाहिए। चले मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर थैंक प्रेशियस यू। टाइम। आई एंजॉयड इट, और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, और मुझे यकीन है मसलन कि मेरी आप मुझे ऑडियंस जरा भी। सा आप मुझे बता जरा दें सा क्या बता दें, क्या सीखा, क्या सीखा। सबसे पहले तो आपका जो 4 डायमेंशन सिस्टम है उसको मैंने पहली दफ़ा सुना कि ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है, काबिले अमल हो सकता है कि एक ही स्कूल में आपको अपना स्कूल की पढ़ाई, हुनर, और फिर टीचर्स ट्रेनिंग, और फिर टीचर सपोर्टिंग प्रोग्राम। एक्सलेंट मैम, ये मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी, और मैं विश करता हूँ कि सारे स्कूल्स आपके मॉडल को फॉलो करें। अगर ऐसा हो जाए तो हमारा लिटरेसी रेट बहुत ऊपर चला जाएगा, और एग्जैक्टली 1 रुपी एग्जैक्टली स्कूल जो आपने इनिशिएटिव है आपका, कि इज्जत नफ्स मजरूह किए बगैर आप जो है वो तालीम दिला रहे हैं, और ये भी एक बहुत एक्सेलेंट आपकी तरफ से कोशिश है। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि अगर मैं कभी इस काबिल हो तो मैं ज़रूर आपका मॉडल फॉलो करूँ। मुझे यकीन है आपने इंजॉय किया होगा, मैंने तो बहुत इंजॉय किया आपके कंपनी का। थैंक यू। मैंने थैंक भी यू, आई मैंने डिड भी। आई डिड थैंक यू क्योंकि मैंने आपको क्योंकि मैंने बता आपको दिया बता था। दिया था। नो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम। चले ओके ओके मैम, चले ओके, ओके। वी आर मजा साइनिंग आया, ऑफ। इस तरह ही होनी मजा आई चाहिए, होनी चाहिए। थोड़ी बिल्कुल मैम, लाइट थोड़ी बिल्कुल लाइट। ऐसे ही होना चाहिए। एक्चुअली बिल्कुल सही फरमा रही हैं। थैंक यू मैम, हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सो ऑडियंस, दिस वॉज टूडेज शो, एम्पावरिंग माइंड। आई होप यू हैव लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स। आई हैव लर्न माई सेल्फ। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद समवन स्पेशल अगेन। अल्लाह हाफिज।